बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है ह्यूमन आई। ह्यूमन आई सबसे पहले हम देखेंगे कि आई क्या चीज है। आई एक सेंस ऑर्गन है। सेंस ऑर्गन्स क्या होते हैं? सेंस ऑर्गन्स आर द ऑर्गन्स दैट टेल अस व्हाट इज गोइंग ऑन अराउंड अस, कि हमारे इर्द गिर्द क्या हो रहा है। चीजों को देखने के लिए हम किस चीज का इस्तेमाल करते हैं? आई का। ठीक है, तो सबसे पहले हम बताएंगे सेंस ऑर्गन यूज फॉर विजन इज आई। अब इसकी लोकेशन क्या है? अगर ह्यूमंस के अंदर हम देखें तो इसकी लोकेशन हमारे स्कल में है। स्कल में सर्टेन टाइप्स के आप ये दो डिप्रेशन से नजर आ रहे हैं। इन डिप्रेशन को हम नाम देते हैं ऑर्बिट्स। इन डिप्रेशन को क्या नाम देते हैं? ऑर्बिट्स। इन्हीं ऑर्बिट्स के अंदर ह्यूमन आई मौजूद है, ये इसकी लोकेशन है। उसके बाद हमने देखना है कि आई को प्रोटेक्ट करने के लिए कौन सी चीजें मौजूद है। अगर आप अपनी आई को देखें तो इसके ऊपर दो चीजें मौजूद है। एक तो है आईलिड, ये स्किन है, और दूसरे है आईलैशेस। अब आईलिड क्या काम करती है? ये वाटर को सेक्रीशंस को ह्यूमन आई के ऊपर स्प्रेड करती है, फैला देती है। क्यों फैलाती है? ताकि ह्यूमन आई को डिहाइड्रेशन से बचाया जा सके। इसके अलावा जो सेक्रीशंस ह्यूमन आई के ऊपर स्प्रेड होती है वो क्या करती है कि मुसलसल हवा के साथ जो हमारी आंख में दाखिल होने वाले बैक्टीरिया है उनके इंफेक्शन से भी ह्यूमन आई को बचाया जाता है। ये कौन काम कर रही है? आईलिड्स। अब उसके बाद आईलैशेस का क्या काम है? आईलैशेस जो है हमारी आंख में डस्ट पार्टिकल्स को दाखिल होने से रोकती है। ठीक है, इन दोनों के फंक्शन लिखने के बाद पढ़ने के बाद हम नेक्स्ट मूव करेंगे स्ट्रक्चर के, हाउ ह्यूमन आई लुक्स लाइक, किस तरह की है। अगर हम ह्यूमन आई को ऑब्जर्व करें तो हमें इसकी तीन लेयर्स नजर आती हैं, आउटर मिडल एंड इनर। जो आउटर लेयर है उसका नाम है स्क्लेरा, और जो मिडल है उसका कोराइड, एंड इनर लेयर इज नोन एज रेटिना। तीन लेयर्स है, हम आंख को तीन हिस्सों में डिवाइड करते हैं। ये मुख्तलिफ तीन तहें, इसको बारी बारी हम डिटेल में देखेंगे। आउटर लेयर इज कॉल्ड एज स्क्लेरा। स्क्लेरा जो है इन फ्रंट ऑफ द आई, इन फ्रंट ऑफ द आई क्या हो जाती है? ट्रांसपेरेंट। इस ट्रांसपेरेंट पार्ट को हम नाम देते हैं कॉर्निया। कॉर्निया क्या चीज है? स्क्लेरा इन फ्रंट ऑफ द आई बिकम्स ट्रांसपेरेंट एंड इज नोन एज कॉर्निया। ठीक है, अब कॉर्निया के उभार की सूरत में आपको नजर आ रहा है बिल्कुल वैसे। या इसे अगर आप ऑब्जर्व करना चाहें तो अपने साथ बैठे हुए पर्सन की ह्यूमन आई को अगर आप साइड से फोकस करेंगे तो आपको थोड़ा सा उभार नजर आएगा। इसी उभार को हम नाम देते हैं कॉर्नियल, और ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होता है, जेली लाइक। ठीक है, उसके बाद स्क्लेरा जो है मोस्टली कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यूज पर मुश्किल है, जो कि हमारी आंख को ज्यादातर व्हाइट कलर देती है। अभी जो व्हाइट कलर है क्या करता है? लाइट रेज को फोकस करता है, फोकस करेगा ताकि लाइट में मजीद फैले ना, डिस्टर्ब ना हो। ठीक है, और इसी हिस्से के अंदर आपको ब्लड वेसल्स भी नजर आएंगे। ठीक है, स्क्लेरा के बाद हम नेक्स्ट मूव करेंगे सेकंड लेयर, दैट इज कोराइड। हमारी आंख का जो ब्लैक कलर है ये ज्यादातर किसकी वजह से है? कोराइड की वजह से। और यहां पर ब्लड वेसल्स बहुत ज्यादा मिकदार में अमाउंट में मौजूद होती है, जिसकी वजह से इसका रंग हमें क्या नजर आता है? डार्क ब्लैक कलर का नजर आएगा आपको। ठीक है, अब कोराइड का फंक्शन क्या है? कि ब्लैक कलर होने का क्या फायदा होता है? ये जो लाइट रेज है ये फैलती नहीं है, एक फोकस होकर चलेगी। अगर आप देखें यहां से तो लाइट रेज एंटर होगी कॉर्निया से एक्वस ह्यूमन और वहां से प्यूपिल। कॉर्निया से पीछे देखें तो कोराइड जो है बेंड होकर एक मस्कुलर रिंग बना रही है, मस्कुलर रिंग। इस मस्कुलर रिंग को हम नाम देते हैं आयरस। क्या नाम देते हैं? आयरस। अगर आप आयरस के दरमियान को देखें तो आपको स्पेस नजर आ रही है, ये स्पेस। इस स्पेस को हम नाम देते हैं प्यूपिल। क्या नाम देते हैं? प्यूपिल। ये आयरस के दरमियान स्पेस होती है, क्या नाम देते हैं? प्यूपिल। इसी प्यूपिल के पीछे आपको लेंस नजर आ रहे हैं, कन्वेक्स लेंस ह्यूमन आई के अंदर होते हैं ये। और इसके अंदर जो खासियत होती है ये कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स हो सकता है, यानी कि एक्सपेंड भी हो रहा है कॉन्ट्रैक्ट भी हो रहा है। ठीक है, जो कि एक आर्टिफिशियल कैमरा के लेंस की खासियत नहीं होती।
ठीक है। अब ये जो लेंथ है यहां पर सस्टेन किया गया, फिक्स किया गया, इसकी मदद से आप देखें सस्पेंसरी लिगामेंट्स, सस्पेंसरी लिगामेंट्स जुड़े हुए सिलियरी मसल्स। जब आपने दूर की चीजों को या करीब की चीजों को देखना होता है तो सिलियरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट एक्सपेंड होते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा कि लेंस लेस कन्वेक्स मोर कन्वेक्स होगा और उसकी वजह से हमें करीब और दूर की चीजें नजर आएंगी। ठीक है, अगर हम यहां देखें तो आयरन जो है ह्यूमन आई को दो हिस्सों में डिवाइड करती है, आई की जो कैविटी है दो हिस्सों में डिवाइड हो जाती है, एक तो है आयरस और कॉर्निया के दरमियान और दूसरा आयरस और रेटिना के दरमियान। ठीक है, वो चैम्बर जो कि मौजूद है बिटवीन आयरस एंड कॉर्निया, इसको हम नाम देते हैं एक्वस ह्यूमन, ये वाला एरिया एक्वस ह्यूमन, और ये क्या होता है, ये ट्रांसपेरेंट लिक्विड पर मुश्तमिल होता है। ठीक है, और दूसरा जो चैम्बर है वो है आयरस और रेटिना के दरमियान, इसे हम नाम देते हैं विट्रियस ह्यूमर, और ये जेली लाइक मटेरियल पर मुश्तमिल होता है। ठीक है, ये तो हमने देख लिया आई की जो कैविटी है उसकी डिवीजन, उसके बाद हम देखेंगे थर्ड लेयर दैट इज रेटिना। ठीक है, रेटिना आप देख रहे हैं इनर लेयर है, इनर मोस्ट लेयर, और ये मोस्ट सेंसिटिव पार्ट होता है ह्यूमन आई का। इसके अंदर दो किस्म के सेल्स होते हैं, रॉड सेल्स एंड कॉन सेल्स। कौन कौन से सेल्स? रॉड सेल्स एंड कॉन सेल्स। जो रॉड सेल्स होती हैं दे आर सेंसिटिव टू डिम लाइट, हमें एट इन डार्क देखने में हेल्प करती है अंधेरे में, और जो कॉन सेल्स होते हैं वो हमें ब्राइटनेस में रोशनी में देखने में मदद करते हैं। ठीक है, अगर हम लेंस के अपोजिट देखें तो रेटिना के अंदर आपको डिप नजर आ रहा है, डिप्रेशन सा, इस डिप्रेशन को हम नाम देते हैं फोविया, और जो फोविया है इट इज रिच इन कॉन सेल्स, ये कॉन सेल्स से फिल होता है जी। अब कॉन सेल्स के फिल होने की वजह से इसका क्या रोल होगा, इट विल हेल्प टू सी इन ब्राइटनेस, ब्राइट लाइट। अगर इसी से थोड़ा नीचे देखिए एक और हमें एरिया नजर आ रहा है जिसे हम नाम देते हैं ऑप्टिक डिस्क या ब्लाइंड स्पॉट। ऑप्टिक डिस्क को ब्लाइंड स्पॉट क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये वो एरिया है रेटिना का जहां पर ना ही रॉड सेल्स होते हैं और ना ही कॉन सेल्स, जिसकी वजह से इसे ब्लाइंड स्पॉट बोला जाता है। ठीक है, यहीं से फिर हम देखेंगे ऑप्टिक नर्व जो है ये एंटर होती है ह्यूमन आई में। ठीक है, अब जब लाइट दाखिल होती है ह्यूमन आई में तो उसका पैसेज क्या है, कॉर्निया, कॉर्निया से एक्वस ह्यूमर, एक्वस ह्यूमर से प्यूपिल, प्यूपिल से लेंस, लेंस से विट्रस ह्यूमर, विट्रस ह्यूमर से रेटिना, रेटिना के ऊपर जैसे ही आकर लाइट टकराती है तो यहां से इंपल्स क्रिएट होती है। अब ये इंपल्स कैसे क्रिएट होती है वो हमने देखना है। ठीक है, इंपल्स क्रिएट होती है कैसे, रेटिना के अंदर विटामिन ए मिलता है ऑप्सिन प्रोटीन के साथ, ऑप्सिन एक प्रोटीन का नाम है, ऑप्सिन मिलेगी विटामिन ए के साथ, एक पिगमेंट बनता है जिसे बोलते हैं रोडोप्सिन, ये कहां पर मौजूद है, रेटिना के अंदर। जैसे ही लाइट टकराती है रेटिना के ऊपर रोडोप्सिन अपने कंपोनेंट्स में टूट जाता है, जैसे ही टूटेगा तो एक नर्व इंपल्स, एक मैसेज क्रिएट होगा, वो मैसेज जो है ऑप्टिक नर्व के जरिए ट्रेवल करता हुआ हमारे ब्रेन के एप्रोप्रिएट पार्ट को, मुनासिब पार्ट को भेज दिया जाएगा ताकि ये चीजों को ऑब्जर्व किया जाए। ठीक है, ये तीन लेयर्स हैं हमारे आई के अंदर। ठीक है, अब दो डिसऑर्डर्स होते हैं जी, जी दो कंडीशन है जिसे बोलते हैं नाइट ब्लाइंडनेस और कलर ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस होती है आप नाइन्थ में पढ़ चुके हैं ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए, विटामिन ए की कमी से, विटामिन ए जब नहीं होगा तो ये ऑप्सिन के साथ मिलकर रोडोप्सिन भी नहीं बनाएगा। ठीक है, जब रोडोप्सिन नहीं बनेगा तो ये टूटेगा नहीं अपने कंपोनेंट्स में, जिसकी वजह से नर्व इंपल्स क्रिएट नहीं होगी, और जो पर्सन है जिसके अंदर विटामिन ए की कमी है वो रात को नहीं देख सकेगा। ठीक है, इस कंडीशन को हम बोलते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। दूसरा है कलर ब्लाइंडनेस, जिसका मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि रेटिना के अंदर दो किस्म के सेल होते हैं, रॉड सेल एंड कॉन सेल्स। कॉन सेल्स बेसिकली आर ऑफ थ्री टाइप्स, तीन बेसिक टाइप्स होती हैं कॉन सेल्स की, और जो तीन कॉन सेल्स हैं वो कौन से कलर्स को ऑब्जर्व करती हैं, रेड ब्लू एंड ग्रीन, जो कि तीन बेसिक कलर हैं रेड ब्लू एंड ग्रीन। अगर इन तीनों में से कोई एक कोन भी डैमेज हो जाए तो जो पर्सन
अफेक्टेड होगा इस कंडीशन से, वो तीनों बेसिक कलर्स को ऑब्जर्व नहीं कर सकते। इसी कारण आपको मैं ऑब्जर्वेशन बताऊंगा कि जो पर्सन कलर ब्लाइंड हो तो स्टॉक पर लगे हुए जो तीन इंडिकेटर्स कलर्स होते हैं, ठीक है, चौक पर लगे हुए, उनको ऑब्जर्व नहीं कर सकते। उसे पता नहीं होगा कि रेड कौन सा है, ग्रीन कौन सा है, ठीक है। इस कंडीशन को हम बोलते हैं कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है। उसके बाद आंख जो है दो किस्म के डिसऑर्डर्स से इफेक्ट होती है, उनको हम बोलते हैं मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया। अब मायोपिया क्या होता है, शॉर्ट साइटेडनेस, यानी कि दूर की चीजें हमें साफ नजर नहीं आएंगी, ठीक है। और ये होता किस वजह से, एक आई बॉल जो है शॉर्ट हो जाती है, और इसको हम करेक्ट कर सकते हैं बाय द यूज ऑफ कंकेव लेंस। और दूसरा है हाइपरमेट्रोपिया, लॉन्ग साइटेडनेस, क्रीम की चीजें साफ नजर नहीं आएंगी, ठीक है, और इसे हम करेक्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग कन्वेक्स लेंस। अगर इस टॉपिक के बारे में आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन हो, कोई भी मुश्किल हो, तो आप लोग डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अब हम अपने लेक्चर के दूसरे हिस्से की तरफ मूव करेंगे, और हमारा जो टॉपिक है वो है ह्यूमन ईयर। इंसानी कान का क्या काम है, ह्यूमन ईयर इज एज इम्पोर्टेंट एज ह्यूमन आई, जितनी के आंख हमारे लिए अहम है उतने ही हमारे काम। अब हमारे काम में काम क्या करते हैं, हियरिंग का, सुनने का अमल, ठीक है। सुनने से हमें पता चलता है कि हमारी सराउंडिंग्स में किस टाइप की साउंड्स प्रोड्यूस हो रही है, और उनके दरमियान हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, किसकी मदद से, कान की मदद से, ठीक है। अब हमारा काम ना सिर्फ सुनने का काम करता है, बल्कि हमारी बॉडी पोजीशन और इक्विलिब्रियम का भी बताता है कि हमारी बॉडी पोजीशन स्ट्रेट है या थोड़ी टेढ़ी है, किस कंडीशन में है, ये हमें कौन बता रहा है, हमारा कान बता रहा है, ठीक है। अब हम इसकी स्ट्रक्चर को देखेंगे। ह्यूमन ईयर इज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स, एक्सटर्नल ईयर, मिडल ईयर एंड इनर ईयर। इनको बारी बारी हम डिटेल से देखेंगे। एक्सटर्नल ईयर कंसिस्ट ऑफ थ्री पार्ट्स, पिन्ना, ऑडिटरी कैनाल एंड ईयर ड्रम। कान का बैरूनी हिस्सा जिसे आप टच कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, इसे हम बोलते हैं पिन्ना। और पिन्ना किन दो चीजों से मिलकर बना हुआ है, एक है कार्टिलेज और दूसरे इसके ऊपर स्किन। आप देखते हैं आसानी से आप इसे पकड़ के फोल्ड कर सकते हैं, लेकिन एक एक्सेप्शन है यहाँ पे कि ह्यूमन जो है अपने ईयर को ट्विच नहीं कर सकते, मूव नहीं कर सकते इस तरह टेढ़ा करके, ठीक है। इसके बरक्स जो एनिमल्स हैं, ठीक है, इसमें होर्स लगा लें डोंकी, वो अपने ईयर को ट्विच कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, ताकि वो साउंड को कैच कर सके। अब पिन्ना की अगर हम स्ट्रक्चर को देखें, इस तरह से मॉडिफाइड होती है कि ये साउंड्स को हमारे ऑडिटरी कैनाल की तरफ डायरेक्ट करते हैं, भेजते हैं। जैसे ही साउंड वेव्स टकराएंगी, पिन्ना इन साउंड वेव्स को ऑडिटरी कैनाल की तरफ डायरेक्शन देते हैं, ये सब जाए। अब ऑडिटरी कैनाल के अंदर दो चीजें मौजूद होती है, एक होते हैं ग्लैंड्स और दूसरे होते हैं हेयर्स, बाल भी होते हैं और ग्लैंड्स भी होते हैं। ग्लैंड्स क्या करते हैं जी, एक खास किस्म की वैक्स प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। ये बाल और वैक्स क्या करते हैं, ये ना सिर्फ आने वाली हवा को फिल्टर करते हैं, बल्कि जो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं उनको भी ट्रैप कर लेते हैं, ठीक है। ट्रैप करने के अलावा आने वाली जो हवा है उसके अंदर जो डैम्पनेस है उसका टेम्परेचर भी मेंटेन करते हैं, कौन, ग्लैंड्स, जो कि वैक्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। बाद में आप उंगली से भी उस वैक्स को रिमूव कर सकते हैं और करते भी हैं, ठीक है। पिन्ना जुड़ा हुआ है ऑडिटरी कैनाल, ऑडिटरी कैनाल एंड होती है कहां पर, ईयर ड्रम के साथ, जिसे हम कान का पर्दा भी बोलते हैं। यहां पर हमारा एक्सटर्नल ईयर खत्म हो जाता है, ठीक है। तो यहां पे हमने देखा एक्सटर्नल ईयर के तीन पार्ट्स हैं, पिन्ना, ऑडिटरी कैनाल एंड ईयर ड्रम। ईयर ड्रम जो है फर्दर जुड़ा हुआ है मिडल ईयर की पोन के साथ, कौन कौन सी, मैलियस, इंकस एंड स्टेप्स। ये जो स्टेप्स है ये हमारी बॉडी की सबसे स्मॉलेस्ट बोन है, सबसे जो छोटी बोन है हमारी बॉडी की, दैट इज स्टेप्स। जैसे ही साउंड वेव्स आई पिन्ना से डायरेक्ट हो गए कहां आई, ऑडिटरी कैनाल से साउंड वेव्स टकराएंगी कान के पर्दे के साथ, जिसे बोलते हैं ईयर ड्रम। यहां से वाइब्रेशंस
शिफ्ट होंगी मिडल ईयर की बोन के साथ जो कि है मैलियस इनकस एंड स्टेप्स। वाइब्रेशंस वाइब्रेट करेंगी मैलियस को, मैलियस फर्दर मूव करेगी जिसे इनकस को, और इनकस से मूव करेगी स्टेप्स को। वाइब्रेशंस कहां तक आ गई? स्टेप्स तक। अब स्टेप्स आगे जुड़ी हुई है मेम्ब्रेन के साथ, उस मेम्ब्रेन का नाम है ओवल विंडो। ये ओवल विंडो जो है ये हमारे मिडल ईयर को इनर ईयर से सेपरेट करती है, जुदा करती है, ठीक है। फर्दर ओवल विंडो जुड़ी हुई है यूस्टैकियल ट्यूब से। अब ये यूस्टैकियल ट्यूब क्या करती है? हमारी नेजल कैविटी के साथ जुड़ी हुई है और ये एयर प्रेशर को भी कंट्रोल करती है, ठीक है। अगर नजला जुकाम वगैरह हो तो आपने महसूस किया है कि हमारी जो समात है वो भी मुतासिर होती है, हमें नॉर्मली लाइट साउंड वेव सुनाई नहीं देती जुकाम की वजह से। इसी यूस्टैकियल ट्यूब के अंदर सारा ये मामला चलता है, ठीक है। अब हमारा यहाँ तक मिडल ईयर कंप्लीट हो जाता है, ओवल विंडो फर्दर कनेक्ट होती है इनर ईयर के साथ। इनर ईयर तीन पार्ट में मुश्किल है, वेस्टिब्यूल, सेमी सर्कुलर कैनाल्स एंड कोक्लिया। इसको हम अगर डायग्राम में देखें तो वेस्टिब्यूल आपको ये नजर आ रही है, सेमी सर्कुलर कैनाल, तीन सेमी सर्कुलर कैनाल होती है और उसके बाद कोक्लिया ट्यूब्स हैं ये जो अपने ही गिर्द लिपटी हुई है, बिल्कुल जैसे स्नेल का अगर आप आउटर कवरिंग को देखें उस तरह से। अब वेस्टिब्यूल और जो सेमी सर्कुलर कैनाल है ये हमारी बॉडी पोस्चर को बताते हैं कि किस तरह का आप लेटे हैं, बैठे हैं, खड़े हुए हैं, भाग रहे हैं, कौन बता रहे हैं सरसर, ये सेमी सर्कुलर कैनाल्स प्लस वेस्टिब्यूल। अब जो स्पेशली सेंसरी सेल्स होते हैं वो मौजूद होते हैं कोक्लिया के अंदर। कोक्लिया के अंदर जैसे ही साउंड वेव्स पिन्ना से ऑडिटरी कैनाल, ऑडिटरी कैनाल से एयरड्रम, एयरड्रम से मैलियस, इनकस, स्टेप्स, ओवल विंडो, ओवल विंडो से वेस्टिब्यूल और फिर कोक्लिया के अंदर। कोक्लिया के अंदर एक फ्लूइड होता है जो कि सेंसरी सेल्स के ऊपर मूव करता है। जैसे ही साउंड वेव आती है उस लिक्विड को, उस फ्लूइड को मूव करेगी तो नर्व इंपल्स क्रिएट होती है, कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर होती है अंदर। ये एक लिक्विड है, ये जेली लाइक मटेरियल होता है। जैसे ही वाइब्रेशन आएगी तो ये लिक्विड जो है लेफ्ट एंड राइट मूव करेगा इन्हीं सेंसरी सेल्स के ऊपर, सीलिया के ऊपर। ये सीलिया के ऊपर जैसे लिक्विड मूव करेगा नर्व इंपल्स क्रिएट होगी, नर्व इंपल्स फर्दर आपके ब्रेन को जाएगी, एप्रोप्रिएट पार्ट्स को, और जो आपको है आवाजें सुनाई देंगी। अब बात का होता है कि आप झूला खा के हटे हो तो आपको सरसर महसूस हो रहा होता है कि आप भी झूले खा रहे हैं झूला से उतरने के बाद, किस वजह से? कि जो लिक्विड है सेंसरी सेल्स के ऊपर मुसलसल मूव कर रहा होता है। इसके अलावा जो दूसरी कंडीशन है कि बस के ऊपर या किसी गाड़ी के ऊपर अगर ट्रेवल किया जाए तो वोमिटिंग स्टार्ट हो जाती है, क्यों? इसके अंदर एक नॉर्मलिटी की वजह से, कोक्लिया के अंदर इन्फेक्शन की वजह से कि मुसलसल वाइब्रेशन होंगी, मूवमेंट्स होंगी और क्या होगा आपको चक्कर आएंगे और सुबह वोमिटिंग स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। अब एक कंडीशन होती है डीफनेस, कि सुनाई क्यों नहीं देता, बहरापन जिसे हम बोलते हैं, ठीक है। वो या तो इन्फेक्शन होगा इन एयर ड्रम या इसके डैमेज होने की वजह से। इसके अलावा अगर इन्फेक्शन हो जाए वेस्टिब्यूल में या सेमी सर्कुलर कैनाल्स में तो इनमें खराबी की वजह से डीफनेस की कंडीशन हो जाती है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन आता है प्रोसेस ऑफ हियरिंग, हमें सुनाई किस तरह से दे रहे हैं, वो हमने शॉर्टली देखना है। साउंड वेव आएगी पिन्ना से टकराएगी, पिन्ना से ऑडिटरी कैनाल, ऑडिटरी कैनाल से एयर ड्रम, एयर ड्रम से मैलियस, इनकस, स्टेप्स, स्टेप्स से ओवल विंडो, ओवल विंडो से वेस्टिब्यूल, उसके बाद कोक्लिया और कोक्लिया के बाद इंपल्सेस क्रिएट होंगी जो कि हमारे ब्रेन को जाएंगे, ठीक है। ये शॉर्टली हमने देखा एंड पर। अगर इस टॉपिक के बारे में भी ह्यूमन ईयर के बारे में कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। थैंक यू।